हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक मसाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल के फ़ोटो एडिटिंग ऐप के बारे में बताने वाला हूं। यहां पर दोस्तों मात्र एक क्लिक में आप अपने फ़ोटो को इतना ज़्यादा खूबसूरत एडिट कर सकते हो। अगर आपका फ्रेंड आपका फ़ोटो देखेगा तो ज़रूर पूछेगा, भाई आपने ये कैसे किया है। बस इसके लिए दोस्तों एक छोटा सा काम करना, अगर हमारी इस वीडियो को अभी आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना। अगर दोस्तों आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली इस वीडियो के टाइटल पर आपको क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में एक नीले कलर का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जब आप इस ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो दोस्तों यहां पर आपको एग्री का आइकन मिलेगा, तो सिंपली आपको एग्री वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको कंटिन्यू वाले आइकन पर क्लिक करके आपको अलाउ वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब आप अलाउ वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको एडिट का आइकन मिलेगा, तो सिंपली आपको एडिट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने गैलरी से कोई एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है, जिस फ़ोटो को आप एडिट करना चाहते हैं, DSLR जैसा बनाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो नीचे आपको एक DSLR का आइकन मिलेगा, तो सिंपली आपको DSLR वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप DSLR वाले आइकन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, मात्र एक क्लिक में आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, एकदम DSLR जैसा हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से दोस्तों इस बैकग्राउंड के ब्लर को यहाँ पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। काफ़ी कमाल का इफ़ेक्ट यहाँ पर आप अपने फ़ोटो में देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर को। अगर दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी फ़ोटो को एडिट करना चाहते हैं, मात्र एक क्लिक में आप अपने फ़ोटो को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एडिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप फ़ोटो को सेव करना चाहते हैं तो कोने में आपको सेव वाले आइकन पर क्लिक करके आप अपने फ़ोटो को गैलरी में सेव कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।